यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की दो मुख्य परीक्षाएं, पहली परीक्षा सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक और विकास दल अधिकारी की परीक्षा, साथ ही साथ जो दूसरी बड़ी परीक्षा है वो है वीडियो यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की। तो दोनों ही जो परीक्षाएं हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और बड़ी संख्या में इन दोनों ही परीक्षाओं में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन अभी भी उनको ठीक ठीक ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये परीक्षाएं कब होंगी, इनका आयोजन कब होगा। हालांकि कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक की जो परीक्षा होगी ये संभावना है कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में हो सकती है, और मैंने आपसे यह भी कहा था कि आगे चल के अक्टूबर नवंबर में संभावित है कि ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की परीक्षा भी हो जाए। हालांकि दोनों के बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं था, लेकिन आज मैं आपको बता सकता हूं कि जो सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक है ये परीक्षा कब आयोजित होने जा रही है। अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ जो कि लखनऊ के राष्ट्रीय सहारा में पब्लिश हुई है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि व्यायाम शिक्षक के 694 पदों के लिए लिखित परीक्षा 16 सितंबर को होने जा रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये परीक्षा जो होगी वह 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में हो सकती है, तो यहाँ पर डेट आई है 16 सितंबर। स्पष्ट तौर से इसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने व्यायाम शिक्षक के 694 पदों के लिए लिखित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा प्रदेश भर के 9 जनपदों में 16 सितंबर को आयोजित कराई जाएगी। भाजपा शासनकाल में पुनर्गठित हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने व्यायाम शिक्षकों की भर्ती के लिए पहला विज्ञापन निकाला था। आयोग ने व्यायाम शिक्षक के 694 पदों के लिए आवेदन पत्र मांगे थे। इन पदों के लिए करीब 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इनके लिए आयोग ने लिखित परीक्षा की तिथि 16 सितंबर तय की है, यानी कि व्यायाम शिक्षक की जो परीक्षा होने जा रही है उसमें आवेदकों की संख्या बहुत अधिक नहीं कही जा सकती क्योंकि मात्र 3 लाख है, जबकि अगर आप वीडियो के एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो उसमें 12 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आयोग के चेयरमैन सीबी पालीवाल ने बताया कि परीक्षा के लिए आवेदन पत्रों की जाँच पड़ताल का काम पूरा हो चुका है। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे, यानी कि 16 सितंबर को व्यायाम प्रशिक्षक की परीक्षा हो सकती है। और अब इस चैनल पर लगातार आपको व्यायाम प्रशिक्षक और वीडियो संबंधित जितनी भी मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियोज और मॉक टेस्ट अवेलेबल होते रहेंगे। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर फ्रेंड्स चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जितने भी अपडेट्स आते हैं उन सबको आप देख सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।